ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाना कोतवाली क्षेत्र के कुंडली गांव में रहने वाले रविंद्र चौहान ने पुलिस से लिखित शिकायत की है कि उसी के गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ विक्रम चौहान की किसी बात को लेकर नाराज होकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। जैसे हत्या की सूचना उसके परिजनों को मिली, परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक विक्रम चौहान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई रविंद्र चौहान की शिकायत के आधार पर कुंडली गांव में रहने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दो टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संबंधों के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। रविंद्र चौहान निवासी कुंडली द्वारा अपने ग्राम के ही व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर थाना नॉलेज पार्क पर दी गई है कि इन लोगों के द्वारा उनके भाई की हत्या कर दी गई है। इसमें सबको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके का मुआयना करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।